कांग्रेस पार्टी की सोच थी। इसी सोच को आगे लेते हुए, आगे बढ़ाते हुए हमने ये एक महिला घोषणा पत्र बनाया है, जिसमें हम ये कहना चाहते हैं कि हम महिलाओं को सचमुच सशक्त बनाना चाहते हैं। महिलाओं को सचमुच सशक्त बनाने के लिए हमें एक ऐसा वातावरण बनाना पड़ेगा जहां पे महिलाओं की अभिव्यक्ति बंधनों को तोड़ सके, जो एकदम महिलाओं को अपना पूरा फ्रीडम ऑफ चॉइस मिले, अपनी पूरी भागीदारी मिले राजनीति में, समाज में इस तरह की भागीदारी मिले जिससे उनका अत्याचार बंद हो, उनका शोषण बंद हो। जहां जहां मैं जाती हूं, खास तौर से उत्तर प्रदेश मैंने देखा है कि बहुत शोषण होता है महिलाओं का, और वे लड़ रही हैं। ये बात नहीं है, ये महिलाओं की लड़ने की बात, ये पहली बार हम नहीं कर रहे हैं, ये आपसे ही उभरी है। और यहाँ पे जो हमने दो सालों से जो काम मैंने यहाँ किया, और मैंने देखा कि जहां जहां मैं गई वहां पे महिलाएं अपने हकों के लिए लड़ रही हैं। खास तौर से जो नौजवान महिला है वो सहना नहीं चाहती है, वो सहने में कोई उसके का ग्लोरिफिकेशन नहीं होना चाहिए, वह अपने हक के लिए आज लड़ने को तैयार है और लड़ेगी। उस भावना से हमने ये घोषणा पत्र बनाया है ताकि लड़ने में हम मदद करें, समर्थन दें, और महिलाओं को हम पूरी तरह से सशक्त बनाएं। इसको हमने 6 हिस्सों में बांटा है: स्वाभिमान, स्वालंबन, शिक्षा, सम्मान, सुरक्षा और सेहत। देखिए, स्वाभिमान की सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीति में जो 40% हम हिस्सेदारी से हम शुरू कर रहे हैं टिकटों में, हम चाहते हैं कि इसको हम आगे बढ़ा के एक दिन ये 50% बने। ये जो हिस्सेदारी है, इससे जो इम्बैलेंस है राजनीति में महिलाओं का, उसको हम ठीक करने की कोशिश करना चाहते हैं। संसद और विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व आज 14% से कम है। जब 40% महिलाएं टिकट लेंगी और चुनाव लड़ेंगी, आशा है कि ये बढ़ेगा, विधानसभा में बढ़ेगा, और उसके बाद जब लोकसभा का चुनाव आएगा तो आशा है कि और भी बढ़ेगा। स्वावलंबन में हमने महिलाओं के लिए बहुत सारी घोषणाएं की हैं। आपको शायद मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश में कामकाजी महिलाओं की भागीदारी अब 9.4% है, 9.4%। हमने इसमें घोषणा पत्र में ये घोषणा की है कि नए सरकारी पदों में आरक्षण प्रावधानों के अनुसार 40% महिलाओं को नियुक्ति होगी। इसका मतलब है कि जो हमने घोषणा की कि हम 20 लाख रोजगार दिलवाएंगे, उसमें से 8 लाख रोजगार महिलाओं के लिए होंगे। 50% तक महिलाओं को नौकरी देने वाले व्यवसायों को कर में छूट और सहायता मिलेगी। महिलाओं द्वारा संचालित छोटे व्यवसायों को सस्ता ऋणों और टैक्स रिफंड हेतु फंड मिलेंगे। कामकाजी महिलाओं के लिए 25 शहरों में सुरक्षित और नवीनतम सुविधाओं वाले छात्रावास बनाए जाएंगे उनके लिए। ग्रामीण और कुटीर क्षेत्र में महिलाओं का सशक्तिकरण होना चाहिए। उसके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा बहुओं के लिए 10,000 रुपये का न्यूनतम मानदेय मिलेगा। सहायता समूह को 4% इंटरेस्ट रेट पर ऋण, मनरेगा में महिलाओं को प्राथमिकता, 40% कार्यों में आरक्षण मिलेगा। राज्य में राशन की 50% दुकानों का प्रबंध और संचालन महिलाओं द्वारा किया जाएगा। शिक्षा के लिए जो शैक्षिक सशक्तिकरण है, उसके लिए हम कुछ कदम उठाना चाहते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा अपने भाषणों में, 10+2 में प्रत्येक लड़कियों के लिए स्मार्टफोन दिया जाएगा। आप जानते हैं, कल ही मैं एक छात्रा से बात कर रही थी, वो मुझे बता रही थी कि कोरोना के दौरान सबसे बड़ी संकट उनको जो आई कि जो ऑनलाइन शिक्षा थी वो कर नहीं पाई क्योंकि उनके पास स्मार्टफोन नहीं थे। तो आज स्मार्टफोन शिक्षा का माध्यम बन गया है और सुरक्षा का माध्यम भी है। अच्छा, सॉरी। तो
टेन प्लस टू की छात्राओं को स्मार्टफोन मिलेगा। जैसे मैं कह रही थी, ऑनलाइन शिक्षा में सुविधा मिलती है और सुरक्षा के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण बन गया है। इसी तरह से स्नातक पास, जो स्नातक में जो नामांकित प्रत्येक लड़कियों को स्कूटी मिलेगी। राज्य भर में वीरांगनाओं के नाम पर 75 दक्षता विद्यालय शुरू किए जाएंगे, ये हर जिले में होंगे। इसमें महिलाओं को